अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल चुकी है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश खुश है, इस बात से प्रफुल्लित है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने, आज भी इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी FIR के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। मैं पूरे दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सबने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा। पूरा देश मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा। तो मैं पुनः सभी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आदित्य जी आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूँ सामने आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि इस देश को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है
कि हम सबको मिलकर अपनी वोट की ताकत से इस तानाशाही को खत्म करना है। धन्यवाद सौरभ। ये पीएमएलए जैसे मामले में जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी, और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी समर्थक काफी पहले से ही काफी उम्मीदें लगाकर बैठे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और आज कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें पूरी हो गई है। हालांकि एक तारीख तक इंटरिम बेल अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है, 2 तारीख को वापस सरेंडर करना होगा। आम आदमी पार्टी ऑफिस से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, किस तरह के रिएक्शन? लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी तो खास तौर पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि 3 चरण का मतदान हो चुका है, 282 सीटों पर मतदान हो चुका है, दिल्ली में चुनाव होना अभी बाकी है, इसके बाद कितने समीकरण बदलेंगे? देखिए रोहित, आपको मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली में 6ठे चरण के दौरान यानी कि 25 मई को वोटिंग होनी है, और वोटिंग से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना बहुत बड़ा खुशी का मौका है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। और आपको मैं बताऊं कि कल पंजाब सूबे के सीएम भगवंत मान भी दिल्ली आ रहे हैं, वो भी यहां पर रोड शो करेंगे। पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हैं कुलदीप कुमार, उनके लिए वो रोड शो करेंगे, और साथ ही वो सहीराम पहलवान के लिए रोड शो करेंगे। तो कल भगवंत मान का रोड शो है, उनके साथ ही अरविंद केजरीवाल को ये जो बेल मिली है यानी कि अब सोने पर सुहागा है, यानी कि दोनों मिलकर साथ जब दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश जुनून जज्बे जज्बात सब कुछ यानी कि टेम्पो हाई होगा। अब मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल के समर्थकों से, आम आदमी पार्टी के समर्थकों से जब मैंने बात की तो वो ये कह रहे हैं कि साहब मैं दिल्ली से आया हूं, कोई कहता है कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, तो कोई कहता है मैं यूपी के उरई और जालौन से आया हूं। सभी कार्यकर्ता आज सुबह ही यहां पर पहुंच गए थे और उनको उम्मीद थी कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत फौरी तौर पर ही सही लेकिन मिलेगी जरूर। और वही हुआ कि जब ये 50 नंबर पर ये पूरा मैटर लिस्टेड था, 50 नंबर का जब आइटम सुना गया तो उस वक्त 2 बजे जब इस केस में सुनवाई हुई, और आप समझिए कि मंगलवार को ही काफी कुछ चीजें जस्टिस खन्ना की बेंच में निर्धारित हो चुकी थी, बस फैसला आना बाकी था। और आज 2 बजे के बाद जब इस पूरे केस को लेकर फैसला आया तो आप यकीन मानिए कि अरविंद केजरीवाल के समर्थकों में, आम आदमी पार्टी के समर्थकों में एक संचार हो गया, ऊर्जा का, नई चेतना का, नवचेतना का एक संचार हो गया जो लगातार दिखाई भी पड़ रहा है, सुनाई भी पड़ रहा है, और कल महसूस भी होगा जब भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता रोड पे उतरेंगे। और आप देखिए सेलिब्रेशन की तस्वीरें आज शाम से ही आपको देखने को मिल जाएंगी। जाहिर तौर पर मोहित, तस्वीरें लगातार हम देख भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, अब तो आज तो पूरी फॉर्मेलिटीज होगी, तो आज का दिन तो चलिए मान लिया जाएगा, देर शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा 21 से 22 दिन है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चाहेगी कि इन 21 से 22 दिनों में ना सिर्फ दिल्ली को कवर कर लिया जाए बल्कि पूरे देश में, क्योंकि चुनाव प्रचार पर अरविंद केजरीवाल के लिए किसी तरह की कोई रोक नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज किया जा सके, सदुपयोग किया जा सके।
बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए यही सबसे बड़ी अच्छी बात है। और आम आदमी पार्टी लगातार ये गुहार भी लगा रही थी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी यही दलील दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि साहब इलेक्शन का वक्त है, और इलेक्शन के समय में अगर एक चुना हुआ सरकार का चुना हुआ सीएम अगर इस तरीके से अंदर होगा तो फिर ये पूरा चुनाव प्रचार प्रभावित होगा। हालांकि ईडी की तरफ से प्रिया मीणा जब पेश हुई थी, उन्होंने अपनी दलीलें दी थी, तो उन्होंने कहा कि साहब इस तरीके से पिछले 5 सालों में 123 चुनाव हुए हैं, और अगर 123 चुनाव के दौरान 123 लोग इसी तरीके से बेल मांगने लगे तो फिर क्या होगा। और आपको एक बात यहां पर समझनी पड़ेगी, मैं बात कर रहा हूं अमृतपाल सिंह की, अमृतपाल सिंह की भी दलील दी गई। ईडी ने कहा कि साहब अमृतपाल सिंह भी इस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए बेल मांग सकता है, तो ईडी ने कहा कि साहब उसके पास 1.5 साल का वक्त था। अरविंद केजरीवाल को चुनाव के ठीक एन मौके पर, यानी कि चुनाव से ठीक पहले ही क्यों गिरफ्तार किया गया, इसका आप जवाब दीजिए। और जब 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ, 2 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 21 दिन में क्या हो जाएगा, और 21 दिन के लिए जो बेल दी है, हालांकि 2 तारीख को सरेंडर करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके वकील की तरफ से यह कहा गया था कि साहब जुलाई तक की तो कम से कम दे दीजिए, पर कोर्ट ने फिर बाद में उसको नहीं सुना। फिर यह कहा गया कि साहब कम से कम 4 तारीख को नतीजे आएंगे, तो 5 तक की ही दे दीजिए। सिंघवी साहब की तरफ से यह दलील रखी गई, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ना जुलाई ना 5, यानी आपको 2 तारीख को वापस सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझिए कि इस 21 दिनों में ही बहुत कुछ हो जाएगा, और ये जो 1 तारीख तक का जो ये बेल दी गई है, इसमें बहुत कुछ बदलेगा। दिल्ली में 7 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं, और उसके अलावा इंडिया अलायंस के जहां जहां पार्टनर हैं, वहां वहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे और अपनी बेगुनाही का सबूत देते हुए नजर आएंगे। और यह सीधी सीधी बात है कि इंडिया अलायंस अब, और आप आज ही देखिए, आज ही हमने देखा कि कन्नौज, कानपुर, लखनऊ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का ज्वाइंट वहां पर रोड शो है, और शाम को वो एक सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं, संविधान बचाओ सम्मेलन लखनऊ में। तो जब इस तरीके से इंडिया अलायंस के बड़े धड़े, इंडिया अलायंस के बड़े लोग जब एक साथ एक मंच पर आएंगे, तो उस समय तस्वीर क्या होगी। और आप समझिए कि इंडिया अलायंस से यहां को एक मार्जिन मिलता हुआ दिखेगा, और यही वजह है। हालांकि आप देखिए कि लगातार ये दलीलें दी गई, कई बार उनकी बेल को अपोज करने की कोशिश की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ये बात समझती थी, जानती थी, महसूस करती थी कि सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिलेगी, फौरी तौर पर ही सही राहत, फौरी तौर पर राहत आम आदमी पार्टी को जरूर मिल गई है। क्योंकि मोहित, आप ग्राउंड रिपोर्ट भी लगातार कर रहे हैं, आप दिल्ली वासियों से लगातार संवाद कर रहे हैं, किस तरफ उनका रुझान है वो समझने की, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कितना महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि अब तक तो कैंपेन ही ये चल रहा है कि जेल के बदले वोट, जेल के बदले वोट, और ये तमाम चीजें हमने प्रयाग में भी सुनी थी, जेल के बदले वोट, आप और हम साथ ही थे। लेकिन लोगों के बीच किस तरह की, क्या सिंपति लहर वाले तमाम फैक्टर्स दिल्ली में नजर आ रहे हैं आपको, आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए? रोहित, बड़ा वाजिब सवाल है, और इसका जवाब मैं यही देना चाहूंगा। जब मैं बेस्ट पटेल नगर में सोमनाथ भारती के रोड शो में मौजूद था, तो वहां मैंने लोगों से बात की, जो वहां पे स्लम एरिया का वोट है, झुग्गी झोपड़ी वालों का वोट है, इसके अलावा जो लोअर मिडिल क्लास का वोट है, या फिर ऑटो टैक्सी वालों का वोट है, वो लोग खास तौर पर ये कह रहे हैं कि साहब ये गिरफ्तारी उनके हिसाब से वो थोड़ा सिंपैथी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं साहब गलत हो रहे हैं कि सब इस तरीके की राजनीति में अक्सर पार्टियां, नेता और हुकूमत के कई सारे आला हुक्मरान इस तरीके की चीजें करते रहते हैं, लेकिन अब देखिए वो उनका वो उस चीजों को शायद अच्छे तरीके से ना समझ पाए। लेकिन जो मिडिल क्लास, जो मिडिल तबका, जिसने आम आदमी पार्टी को 2020 में वोट दिया था, वो तबका इस बात को बखूबी समझता है। उससे ऊपर का तबका, यानी कि जो एलीट क्लास है, वो भी समझता है कि कुछ तो गलतियां की होंगी, साहब यूं कोई ऐसे जेल नहीं जाता। अब आप एक बात समझिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन और संजय सिंह, 4 के 4 बड़े नेता, और आप देखिए हालांकि संजय सिंह को बेल मिल गई, अरविंद केजरीवाल को मिल गई, लेकिन फिर भी 2 नेता के लिए अभी रास्ता क्लियर नहीं हुआ है। वो भी कर रहे होंगे, ये तमाम फैक्टर्स है, इस पर आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, नजर आप बनाए रखिएगा।